हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर में चला फॉर डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 16 से 31 जनवरी 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जितने भी प्लेलिस्ट हैं उनको चेक कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में इंडियन ओपन किसने जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लक्ष्य सेन। दोस्तों, आपको बता दें ये बैडमिंटन में इंडियन ओपन किया गया था और थर्ड टाइम यानी ये तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन ओपन जीता है। इससे पहले 1981 में प्रकाश पादुकोण ने जीता था और 2015 में किदांबी श्रीकांत ने इंडियन ओपन अपने नाम किया था और अब 2022 में लक्ष्य सेन ने यह जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अदानी पावर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में शेरशाह वी खालिया को अदानी पावर का CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया का सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, भारत और मध्य एशिया के शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली हमारी राजधानी में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं आपको इनके बारे में बता दें। तो बता दें, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये इन सभी देशों के साथ भारत ने हाल ही में सम्मेलन किया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में मिसेज वर्ल्ड शैलेंट फूड को बनाया गया है, यह किस देश से ताल्लुक रखती हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा डी, यूएसए। ये यूएसए से ताल्लुक रखती हैं, मिसेज वर्ल्ड शैलेंट फूड बन गई हैं। मिसेज वर्ल्ड, नॉट मिस वर्ल्ड। दोस्तों, ये मिसेज वर्ल्ड बनाई गई हैं 2022 में। आपको बता दें, यूएसए यह 8वीं बार जीता है, यानी यूएसए ने मिसेज वर्ल्ड का टाइटल कुल 8वीं बार जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद राय को किस बैंक का चेयरमैन बनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में विनोद राय को यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये पूर्व कैग रह चुके हैं और जो सेक्ट्रम ग्रुप भारत पे की संयुक्त उद्यमी है उसके भी हाल ही में ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय सेना के उपाध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों, CP मोहंती को हाल ही में भारतीय सेना का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, मनोज पांडे भारत में भारतीय सेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये पहले उपाध्यक्ष थे, उनकी जगह अब CP मोहंती को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल हाउसिंग एंड सोलर प्रोजेक्ट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के द्वारा यह मॉरिशस में सोशल हाउसिंग एंड सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण शमशाबाद में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शमशाबाद। दोस्तों, अब ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है उनके बारे में बता दें, यह संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दिया गया है। यह शमशाबाद में स्थापित की गई है, 216 फीट ऊंची है। बैठने की मुद्रा में दुनिया की यह सेकेंड टॉलेस्ट मूर्ति बन गई है। दोस्तों, फर्स्ट जो है वह म्यांमार में बुद्ध की प्रतिमा है जो 265 फीट की है। दोस्तों, ये अनावरण, अब आपको बता दें शमशाबाद कहाँ है? तो शमशाबाद तेलंगाना में है, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा वायु CNG संयंत्र किस शहर में लगाया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा CNG संयंत्र लगाया जा रहा है। दोस्तों, यह हर रोज 550 टन कचरे को इकट्ठा करके 18,000 किलो बायो CNG बनाएगा। बात आई है इंदौर की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन की और कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे इंदौर जिले की है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में ही है। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग और वित्त आयोग का स्थापना भी इंदौर में की गई है। भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू इंदौर में ही आती है। सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंदौर में ही लागू की गई। तो ये कुछ फैक्ट हुए इंदौर के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी विजय शेखर शर्मा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य काशी ट्रेन हाल ही में किस शहर में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो ट्रेन है वह दिल्ली से बनारस के बीच शुरू की गई है। तो ऑप्शन सी दिल्ली से वाराणसी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका नाम दिव्य काशी यात्रा ट्रेन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 63 करोड़ रुपए की नल जल योजना की कृषि भूमि पूजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिले में शिवराज सिंह जी के द्वारा 63 करोड़ रुपए की नल जल योजना का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। दोस्तों इसमें 386 गांव आएंगे जो सागर में हैं, वहां पर नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाया जाएगा घर घर तक। दोस्तों बात आई है सागर की, तो चलिए आपको सागर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता। दोस्तों ये मैप में आप लोकेशन देख पा रहे होंगे सागर की। सागर भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में ही स्थित है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख सागर के एरण में देखने को मिलता है। नापतोल प्रशिक्षण संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण नौरादेही सागर में ही स्थित है। बीना तहसील में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है ओमान की सहायता से। दोस्तों ये कुछ फैक्ट हुए सागर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी की कौन सी जयंती 2022 में मनाई गई है? तो दोस्तों हाल ही में नेताजी की 125वीं जयंती 2022 में मनाई गई है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारे नेताजी यानी हम सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको हम नेताजी कहते थे, इन्हीं की जयंती जो है 125वीं जयंती 2022 में मनाई गई है। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वॉर मेमोरियल के सामने हॉलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया गया है जो 28 फीट की है। दोस्तों इनकी जगह हाल जल्दी ही 28 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। दोस्तों 2022 का जो नेताजी अवार्ड है वह संजो आबे को दिया गया है, ये भी एक फैक्ट है आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अब बता दें आपको मध्य प्रदेश के अभि शर्मा जो लेखक हैं, हरदा के अनुज जैन और अनूपपुर की वनिता दास, इन तीनों को मध्य प्रदेश से चयन के लिए चुना गया है। दोस्तों अगर टोटल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो कुल 29 अवार्ड 2022 में दिए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, टोटल 29 अवार्ड राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के 2021 की सभी प्रारूप की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो दोस्तों स्मृति मंधाना को आईसीसी की सभी प्रारूपों की सर्वश्रेष्ठ महिला चुना गया है 2021 के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों ये भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों बात आइए आईसीसी की, तो चलिए आपको इसके बारे में फैक्ट बता दें। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसका जो मोटो है क्रिकेट फॉर गुड है, हिंदी में कहें तो अच्छे के लिए क्रिकेट है। गठन 15 जून 1909 में किया गया था। मुख्यालय दुबई यूएई में है और सदस्य देश 106 हैं। तो ये आईसीसी के बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार के मामले में भारत का 85वां स्थान है। दोस्तों 2020 में यह 86वां स्थान था, लेकिन भारत एक पायदान ऊपर आकर 85वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ऑप्शन डी 73वां इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितने वीरता अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों कुल 384 अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं वीरता के लिए। अब चलिए आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको बता दें। दोस्तों शौर्य चक्र 12 दिए गए हैं, वहीं सेना मेडल की बात करिए तो पूरे 81 मेडल सेना मेडल दिए गए हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल 29 दिए गए हैं। युद्ध सेवा मेडल 13 दिए गए हैं। वायुसेना मेडल 2 दिए गए। विशिष्ट सेवा मेडल 122 दिए गए। उत्तम सेवा मेडल 13 दिए गए। अति विशिष्ट सेवा मेडल 53 दिए गए। और दोस्तों पुलिस सेवा मेडल 939 दिए गए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। इस प्रकार कुल मिलाकर वीरता अवार्ड में 384 संख्या हो जाती है 2021 के। आपसे दोस्तों ये डिफरेंट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि वीरता अवार्ड कितने दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बीटा नहीं वीरता अवार्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा बन गया है? तो दोस्तों टीसीएस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आईटी सर्विस ब्रांड बन गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपको बता दें हमारा जो विप्रो है वह 7th स्थान पर है और एचसीएल की बात करें तो यह 8th स्थान पर है, वहीं दूसरा टीसीएस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइंस कांग्रेस 2021 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों पुणे शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडियन साइंस कांग्रेस का यह 108वां संस्करण है। दोस्तों इससे पहले जो 107वां संस्करण था 2020 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। 2021 में जो थीम है साइंस एंड टेक रूरल डेवलपमेंट रखी गई है। दोस्तों भले ही क्वेश्चन 2021 का है लेकिन हम पढ़ 2022 में ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में वी अनंत नागेश्वरन को नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों केवी सुब्रमण्यन की जगह है वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणजीत सिंह हाल ही में निधन हुआ ये किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों चरणजीत सिंह का हाल ही में निधन हुआ ये हॉकी के खिलाड़ी थे, तो ऑप्शन डी हॉकी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना किस शहर में की गई है? तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना गुरुग्राम में की गई है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपथ परेड में नंबर वन राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश नंबर वन राज्य बना है राजपथ की परेड में। आपको बता दें दोस्तों जो राजपथ परेड है वहां पर राम मंदिर की झांकी प्रस्तुत की गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश को नंबर वन राज्य चुना गया। बात आई उत्तर प्रदेश की तो मैप में लोकेशन आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी, राजधानी लखनऊ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 31 सभा राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। स्तनपाई बारह सिंगा है। पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन यहाँ का पक्षी है। राजकीय फूल की बात करें तो पलास है। वहीं वृक्ष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष सीता अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है? तो दोस्तों हाल ही में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा मेंस सिंगल्स जीतने वाले राफेल नडाल बन गए हैं। ये स्पेन से खेलते हैं और ये टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और अब कुल 21 सिंगल जीत चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो फीमेल में किसने जीता है तो एशली बार्टी ने 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इजराइल की मदद से कितने उत्कृष्ट गांव बनाए जाएंगे? तो दोस्तों भारत में इजराइल की मदद से कुल 150 गांव उत्कृष्ट गांव बनाए जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 30 ईयर दोस्ती के हो गए हैं भारत और इसराइल को, इसी के उपलक्ष्य में ये उत्कृष्ट गांव की घोषणा की गई है। दोस्तों हाल ही में इसराइल ने एक लोगो भी जारी किया है जिसमें अशोक चक्र तथा स्टार ऑफ डेविड का जो प्रति है वह दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस हाल ही में किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस ये पुस्तक लिखी गई किरण बेदी के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें ये पुडुचेरी की गवर्नर रह चुकी हैं और 24वीं गवर्नर रह चुकी हैं पुडुचेरी की। इन्होंने एक बुक का बुक लिखी है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इस्लामिक देश ने पहला योग उत्सव शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सऊदी अरब। सऊदी अरब ऐसा इस्लामिक कंट्री बन गया है जिसने योग उत्सव शुरू किया है। दोस्तों बात आइए सऊदी अरब की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब का जो राजधानी वह रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है। राजा यहाँ के सलमान है। क्राउन प्रिंस की बात की जाए अगर तो मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। तो ये कुछ सऊदी अरब के फैक्ट्री आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति हुड्डा ने हाल ही में किस राज्य का ओपन खिताब जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने हाल ही में दोस्तों ओडिशा ओपन का खिताब जीता है, तो ऑप्शन सी ओडिशा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूट्यूब को UNDP का युवा जलवायु चैंपियन अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में प्राजक्ता कोहली को यूट्यूब के UNDP का युवा जलवायु चैंपियन अवार्ड जीता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन में चुनी गई हैं? तो दोस्तों हाल ही में PV सिंधु को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट कमीशन में चुना गया है, तो ऑप्शन
बी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पीवी सिंधु हमारे देश की बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक का डायरेक्टर चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में आशु श्रेयस को कोटक महिंद्रा बैंक का डायरेक्टर चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों लद्दाख ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था, जिसे लद्दाख ने जीता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो इस बार 2022 के पद्म अवार्ड की फैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन अवार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। इन्हें गुलाबी कलर के फीते से पहनते हैं। 2021 में जो पद्म विभूषण अवार्ड हैं वह 7 दिए गए हैं, और 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड कुल 4 दिए गए हैं। अब उनके 4 के नाम क्या क्या हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहले हैं बिपिन रावत, जो पहले भारत के CDS थे। कल्याण सिंह, जो पूर्व राज्यपाल और CM भी रह चुके हैं। विभा अत्रे, दोस्तों ये कला है से संबंधित है, महाराष्ट्र की हैं। और राधिक्याम खेमका, दोस्तों ये शिक्षा और साहित्य से संबंधित हैं और UP राज्य से संबंध रखते हैं। तो ये 4 लोग हुए जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है 2022 में। दोस्तों इनके अलावा आपसे जो और भी पद्म भूषण अवार्ड हैं या डिफरेंट जो भी अवार्ड हैं, कुछ कुछ नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, पद्मश्री में जो पद्मश्री दिए गए हैं इस बार, वह कुल 107 दिए गए। अब ये आप भी बताइए 107 नाम कौन याद रखेगा। इसलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट या इंपोर्टेंट नाम होते हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, फैसल अली डार, वंदना कटारिया, अवनी लेखरा, ये कुछ नाम हैं जो इस बार पद्मश्री दिए गए हैं जिन्हें। बात करें पद्म भूषण अवार्ड की, तो 2022 में कुल 17 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पर भी हम नाम याद नहीं रख सकते हैं, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, नटराजन चंद्रशेखर, देवेंद्र झाझरिया, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, राशिद खान, सत्य नडेला, सुंदर पिचई, साइरस पूनावाला, स्वामी सच्चिदानंद, ये कुछ नाम हैं जिन्हें 2022 में पद्म भूषण दिया गया है। दोस्तों बात करें कि ये पद्म भूषण या पद्म अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। 1977, 1979 और 1983 में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे। दोस्तों एक और फैक्ट आपको बता दें, जो पद्मश्री अवार्ड 2022 है उनमें 34 महिलाओं को अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 10 विदेशी ही हैं। ये इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की 16 से 31 जनवरी 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उनके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मैं आपको कम्प्लीटली GK का नॉलेज देता हूँ, साथ ही करंट अफेयर का भी नॉलेज देता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।